बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्राइम की। भागवानपुरा में घर से तीन अफराद की लाशें मिलने का मामला, मियां बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया गया। एसपी कैंट की जानिब से बताया गया, वकास और रजिया ने 4 साल कबल पसंद की शादी की थी। बिलाल फुरकान की जानिब से बताया गया, वकास को सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया, जबकि दोनों मियां बीवी एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। शुबा है कि तीनों अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। एसपी कैंट की जानिब से यह भी बताया गया है। बागवानपुरा में घर से तीन अफराद की लाशें मिलने का ये मामला है और इस पर एसपी कैंट का ये कहना है कि मियां बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया गया। वकास और रजिया ने 4 साल कबल पसंद की शादी की थी। वकास को सर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया। दोनों मियां बीवी एक ही फैक्ट्री में काम भी करते थे। बिलाल फुरकान की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया है कि शुबा है कि तीनों अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। सर में गोलियां मारकर और फैक्ट्री में काम करते थे मियां बीवी। बागबानपुरा में घर से तीन अफराद की लाशें मिलने का ये मामला है और एसपी कैंट की जानिब से ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि दरीना दुश्मनी का ये मामला है। मियां बीवी और बेटी को फायरिंग करके कत्ल किया गया, जबकि दूसरी जानिब ग्रीन टाउन में गुजशत रात कत्ल का दिल दहला देने वाला वाक्य पेश आया। एक ही खानदान के 4 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। मकतूलीन में इसहाक बेटा अबूजर, बेटियां हुसना और आतिका शामिल है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। डीएसपी नासिर जावेद, एसएचओ समेत भारी नफरी अस्पताल में मौजूद। मकतूल इसहाक प्रॉपर्टी का कारोबार करता था। दरीना दुश्मनी पर कत्ल किया गया, पुलिस की जानिब से बताया गया है। मकतूल ने 2 शादियां की थी, दूसरी बीवी के बच्चों को निशाना बनाया, जबकि पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद लाशें शाहदरा भिजवाई जाएंगी। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि फायरिंग के वाकये में बच्चों की मां मौजाना तौर पर महफूज नहीं है। वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तहकीकात जारी है। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने वाकये का नोटिस ले लिया है और इस मौके पर वजीर आला पंजाब ने सीसीपीओ से 4 अफराद के कत्ल की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कत्ल में मुलव्वस मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया गया है। अब कुछ डॉलर की बात होगी। डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 35 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 156.05 रुपए की सतह पर जा पहुंचा। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1.65 रुपए का इजाफा हुआ है। इसी हवाले से जानते हैं हसन अली से। जी हसन अली जी, बिल्कुल, डॉलर की कीमत की अगर बात की जाए तो डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। और अगर सबसे पहले बात की जाए इंटरबैंक की कीमत की, तो इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद 35 पैसे का इजाफा जो है वो कर दिया गया है, जिसके बाद मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1.65 रुपए का इजाफा हो चुका है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 156.05 रुपए तक जा पहुंची है। जबकि अगर ओपन मार्केट की बात की जाए तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मजीद 50 पैसे का इजाफा देखा जा रहा है और इस 50 पैसे के इजाफे के बाद ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद जो है वो 155.50 रुपए, जबकि कीमत फ़रोख जो है वो 156 रुपए तक जा पहुँची है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो मजमूई तौर पर आज ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 1.50 रुपए का इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स का ये कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर डॉलर की बढ़ती हुई कीमत को कंट्रोल करे, क्योंकि इस वक्त डॉलर की कीमत का बढ़ना बिला जवाज़ है और अगर यही सूरत हाल रही तो आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर के लिए। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 800 रुपए का इजाफा हुआ है। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 95,400 रुपए का हो गया। 22 कैरेट फी तोला सोना 87,000 रुपए तक जा पहुंचा है, जबकि सराफा बाजारों में सोने की कीमत में 800 रुपए का इजाफा हो गया है। हुकूमत इत्तेहादी मुस्लिम लीग कौफ ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। पेट्रोल की आलमी कीमतों में 30% तक कमी हुई है। चौधरी मोहनिज़ इलाही की जानिब से ये कहा जा रहा है। हुकूमत महंगाई में घिरी आवाम के लिए तेल की कीमतें कम करे। चौधरी मोहनिज़ इलाही की जानिब से ट्वीट में ये भी कहा गया है कि पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी करनी चाहिए। चौधरी मोहनिज़ इलाही की जानिब से ये ट्वीट आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हुकूमती इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया है। पेट्रोल की आलमी कीमतों में 30% तक कमी हुई है। चौधरी मोहनिज़ इलाही की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया है कि हुकूमत महंगाई में घिरी आवाम के लिए तेल की कीमतें कम करे। और अभी आपको बताएं कि एमटीआई एक्ट के हवाले से वज़ीरे कानून राजा बशारत के साथ यंग डॉक्टर्स के मुज़ाकरात और सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर बैरिस्टर नबील अहमद अवान डीआईजी ऑपरेशंस इस मौका पर मौजूद थे। वज़ीरे सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुज़ाकरात में आदम शिरकत और डॉक्टर यास्मीन राशिद असेंबली में मौजूद होते हुए भी शरीक नहीं हुई। डॉक्टर से मुज़ाकरात का टास्क वज़ीरे कानून के ही सुपुर्द है। अपडेट आपको कर रहे हैं कि एमटीआई एक्ट वज़ीरे कानून राजा बशारत के साथ यंग डॉक्टर्स के मुज़ाकरात है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर
बैरिस्टर नबील अहमद अवान, डीआईजी ऑपरेशंस भी मौजूद हैं। पंजाब हुकूमत एमटीआई एक्ट नाफिज करने के लिए तैयार, डॉक्टर्स को 10 बार एक्ट पर बात का मौका दिया, वो नहीं आए। डॉक्टर यास्मीन रशीद की जानिब से ये कहा जा रहा है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि डॉक्टर से जब भी बात की अपनी बहाली की बात की है, हुकूमत एमटीआई एक्ट के नफाज से पीछे नहीं हटेगी। यास्मीन राशिद की जानिब से इस मौका पर यह भी कहा गया है कि डॉक्टर्स ने एहतजाज करके अस्पताल बंद किए तो उनका हाल वकला जैसा होगा। मजीद उनका क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात है इतना लंबा चौड़ा मौका मिला इनको, 10 दफ़े ने बुलाया, इन्होंने कोई मौजू पे कोई बात नहीं की, आके जब भी किया इन्होंने यही कहा कि हमारी बहाली कर दीजिए। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, ये लॉ आया हुआ है, टेबल हुआ हुआ है, उसके ऊपर जो आपकी अपोजिशन थी उसके साथ बाकायदा डिस्कशन हुई, स्टैंडिंग कमेटी ने उसको अप्रूव किया, तो अब लॉ आना तो है ना। अब मकसद ये है कि जो इनके खदशात हैं वो सारे प्रेशराइज हो जाएंगे आप लोग ऐसे एहतियात। आपको मैं लग रही हूँ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज, मुज़ाकरात के लिए तो बुलाया है किसने? अंदर मुज़ाकरे चल चलते रहे तो पीछे नहीं हटेगी एमटीआई एक्ट से। क्यों? डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर हुकूमत पीछे ना हटी तो हम भी अपने एहतजाज का दायरा कर वसी करेंगे और नहीं होने देंगे, इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे कोरोना वायरस के होते हुए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कहना था, आपने ऐसा किया, जबकि दूसरी जानब आपको अपडेट करें कि आवारा कुत्तों ने शहरियों की जिंदगी अजाब बना दी है। 2 रोज के दौरान आवारा कुत्तों ने मजीद 61 लाहौरियों को काट लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिद चौधरी। जाहिद चौधरी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ज़िले इंतजामिया की तमाम तर कोशिश के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुत्ते काटे के जो वाकयात हैं उनमें तसलसल जारी है और बदस्तूर इजाफा देखने में आ रहा है। ख़ास तौर पर ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो आवारा कुत्तों का निशाना बनने वालों में उनकी बड़ी तादाद शामिल है। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 61 नए डॉग बाइट के केसेज जो हैं वो रिपोर्ट हुए और इन 61 पेशेंट्स को मुख्तलिफ सरकारी इलाजगाहों में एंटी रेबीज जो वैक्सीनेशन है उसके लिए लाया गया। ये तादाद जो है बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है और जो मुतासरीन हैं उनका ये कहना है कि आवारा कुत्तों की भरमार ने न सिर्फ बच्चों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल बना दिया है बल्कि मजमूई तौर पर शहरी जो हैं वो इससे खौफजदा हैं और ये बढ़ते हुए वाकयात जो हैं उनकी रोकथाम के लिए किए जाने वाले जो इकदाम हैं वो अभी तक गैर मौसर हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस हवाले से कुछ ठोस। जी बहुत शुक्रिया साहिद चौधरी। जिला अदालती हुकुम अदूली पर सेक्रेटरी स्कूल्स के वारंट जारी करने का मामला, सेक्रेटरी स्कूल शहरियाज सुल्तान हाईकोर्ट पेश, गैर मशरूत माफी मांग ली है। जी बिल्कुल, गैर मशरूत माफी मांग ली है उन्होंने और अदालत ने माफी की सदा मंजूर करके वारंट वापस ले लिए हैं। जस्टिस शाहिद वहीद ने एहतसाम सर्वर की दरख्वास्त पर समाप्त की है। सेक्रेटरी स्कूल शहरियाज सुल्तान समेत दीगर पेश हुए क्या सेक्रेटरी स्कूल आए हैं, जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से इस्तफसार किया है, जबकि सेक्रेटरी स्कूल्स का कहना है कि जी मैं हाजिर हूँ और अपडेट कर रही हैं आपको कि गुज़श्ता समाअत पर बुलाया था, क्यों नहीं आए ये भी पूछा गया है जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से। गैर मशरूत माफी चाहता हूँ, बर वक्त इत्तला नहीं मिली थी, सेक्रेटरी स्कूल्स की जानिब से ये बताया गया है। जब बुलाते हैं तो आज आया करूँ करें, तादीबी अहकामात जारी करने पड़ते हैं, अदालत की जानिब से कहा गया। जी आइंदा अहकामात में कोताही नहीं होगी, सेक्रेटरी स्कूल्स की जानिब से ये कहा गया। पोलैंड के लिए पाकिस्तान के सफीर मलिक मोहम्मद फारूक की लाहौर चैम्बर आमद हुई है। सफीर की सीनियर नायब सदर अली हसान मस्खर, नायब सदर मियां जाहिद जावेद से मुलाकात हुई। मुलाकात में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान हारिस अतीक, फयाज हैदर, हाजी आसिफ मौजूद थे। बरामदात बढ़ाने के लिए सफीरों की मामलत चाहिए, सीनियर नायब सदर ने यह कहा। पाकिस्तान मसनूआत एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखता है, अली हसान की जानिब से इस मौके पर इस मुलाकात में इन ख्यालात का इजहार किया गया है। पोलैंड के लिए पाकिस्तान के सफीर मलिक मोहम्मद फारूक की लाहौर आमद के मनाजिर, जबकि आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पे सफीर की सीनियर नायब सदर अली हसाम असगर, नायब सदर मियां जाहिद जावेद से मुलाकात हुई है। सदर एफपीसीसीआई अंजुम निसार से बलूचिस्तान के वफद ने मुलाकात की है। जुम्मा खान, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अली मियां, ख्वाजा शाहजेब अकरम, वसीम सरवर भी मौजूद। एमपीए सादिया तैमूर, मियां मोहम्मद शफीक, मीर अकबर मेंगर, जाहिदुल्ला खान भी इस मौका पर मौजूद थे, जबकि इस मौका पर मियां अंजुम का कहना है हुकूमत सनअतों के लिए तवानाई की कीमतें फौरी तौर पर कम करे, मौशी मजबूती के लिए बरामदात बढ़ाना जरूरी है। मियां अंजुम निसार की जानिब से ये भी कहा गया है कि मुल्क में बैन अलाक्वामी मायार की लेबोरेटरीज की अशद जरूरत है, उनकी जानिब से ये भी कहा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में बीएस प्रोग्राम्स का आगाज हो चुका है। यूएचएस न्यू कैंपस में बीएस के पहले बैच के लिए तारफी सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में वाइस चांसलर यूएचएस प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम का खिताब
داخل ہونے والے طلبہ اور والدین کی بڑی تعداد میں شرکت۔ یو ایچ ایس میں پہلی مرتبہ بی ایس پروگرامز کا آغاز کیا گیا ہے۔ پروگرامز میں ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی، بائیو میڈیکل سائنسز بھی شامل ہے۔ سینئر افسران پر مشتمل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے وفد کا واسا ہیڈ آفس کا دورہ۔ مڈ کیئر مینجمنٹ کورس کرنے والے بیچ کی ایم ڈی واسا سید کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ واسا لاہور سے متعلق تفصیلی گفتگو بھی کی گئی ہے اور پریزنٹیشن بھی پیش کی گئی ہے، جبکہ مزید لاہور میں پانی کے بڑے بڑے پروجیکٹس کے بارے میں تفصیلات سے اس موقع پر آگاہ کیا گیا ہے۔ زاہد عزیز کا اس موقع پر کہنا ہے کہ واسا نے پاکستان میں پہلی بار پانی کے متعدد پروجیکٹس ہیں جنہیں متعارف کروایا ہے۔ اس موقع پر پریزنٹیشن دی گئی ہے اور سینئر افسران پر مشتمل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے وفد کا واسا ہیڈ آفس کا اس موقع پر دورہ کیا گیا ہے۔ مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کرنے والے بیچ کی ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی۔ واسا لاہور سے متعلق تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی گئی ہے۔ مزید لاہور میں پانی کے بڑے پروجیکٹس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ واسا نے پاکستان میں پہلی بار پانی کے متعدد پروجیکٹس متعارف کروائے ہیں، زاہد عزیز کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ سینئر افسران پر مشتمل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے وفد کا واسا ہیڈ آفس کا دورہ۔ مڈ کیئر مینجمنٹ کورس کرنے والے بیچ کی ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز سے ملاقات ہوئی ہے۔ واسا لاہور سے متعلق تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی گئی ہے۔ مزید لاہور میں پانی کے بڑے پروجیکٹس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ واسا نے پاکستان میں پہلی بار پانی کے متعدد پروجیکٹس متعارف کروائے ہیں، زاہد عزیز کی جانب سے اس موقع پر یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ لاہور ڈسٹرکٹ وار کا ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کا ایک اور اہم اقدام سامنے آیا ہے۔ بابا گراؤنڈ کے باہر ناجائز بنی چیمبر اور بڑی بڑی رکاوٹیں ختم کر دی گئیں۔ سیشن جج لاہور کے ہمراہ لاہور بار کے صدر نائب صدر کا بابا گراؤنڈ کا دورہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شاہین عتیق سے۔ شاہین عتیق، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، لاہور ڈسٹرکٹ بار کی طرف سے پارکنگ جو ہے وہ خالی کرانے کے بعد جو پارکنگ کا وہاں پر جو قبضہ تھا وہ ختم کروایا۔ آج ایک اور بڑا اقدام جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے، جو بابا گراؤنڈ ہے جہاں سے انٹرس ہوتی تھی وکلا کی اور وہاں پر راستے میں رکاوٹیں تھیں، آج جی اے خان طارق اور کرم نظام راج جو ہیں انہوں نے مل کر آج وہاں پر سیشن جج کے ساتھ وزٹ کیا اور جو رکاوٹیں تھیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ختم وہاں پر کروا دیا گیا۔ مزید کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس اس وقت جی اے خان طارق لاہور ڈسٹرکٹ بار کے جو صدر ہیں وہ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ طارق صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو آپ نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے، آج بابا گراؤنڈ کا وزٹ کیا، وہ آپ نے وزٹ جو وہاں پر کیا اس کی کارروائی کے حوالے سے بتائیے گا۔ پھر دوسرا یہ بتائیے گا جو سول کورٹ کے باہر جو رکاوٹیں کھڑی ہیں، گاڑیاں کھڑی ہیں، موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، اس کے حوالے سے کیا اقدامات کیا جا رہا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہین صاحب، آج ہم نے یہ جو سیشن جج صاحب کو وزٹ کروایا ہے، یہ دراصل ہم نے ہفتے کی رات کو وہاں سے انکروچمنٹس ریموو کی تھی۔ ایکچولی سیشن کورٹ کی انٹرنس گیٹ کے اوپر ہمارے ایک سابق دوست جن کا بعد میں پتہ لگا کہ وہ وکیل بھی نہیں ہے، ان کے بارے میں سپریم کورٹ سے جب لیٹر آیا تو ہم نے ان کا وہ چیمبر جو انہوں نے راستے میں بنا رکھا تھا اور دوسرے چیمبر جو ہیں وہ ریموو کیے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ سائلین کو یہاں پر ٹریفک کے اور دیگر مسائل نہ ہوں، وہ آسانی کے ساتھ عدالت تک پہنچے اور عدالت میں اپنے مقدمے کی پیروی کر سکیں۔ اچھا رضا صاحب، آپ بتائیے گا کہ اس وقت جو سول کورٹ میں جو رکاوٹیں کھڑی ہوئی ہیں، سڑکیں بلاک ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات لاہور بار کر رہی ہے؟ لاہور بار نے اس معاملے میں جو ہے آئی سی ٹی یو کے ساتھ میٹنگ رکھی ہوئی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جو وہاں پہ جو موٹر سائیکل سٹینڈ ہے، جو گاڑیوں کا سٹینڈ ہے، کچھ ہمارے دوست ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہم وہاں پہ کچھ وکلا کی بھی ڈیوٹی لگائیں گے اپنے دوستوں کی، کہ لوگوں کو یہ اسسٹ کر سکے کہ ایک پارکنگ جہاں پہ 700-800 کی پارکنگ ہم نے خالی کروا کے دی ہے اور یہ گاڑیاں اگر وہاں پہ پارک کر دیں تو یہ روڈ کشادہ ہو جائے گا اور پبلک کے لیے جو ہے نا وہ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ جی، بہت شاہین عتیق۔ اپڈیٹ کریں آپ کو کہ بابا گراؤنڈ کے باہر ناجائز بنے چیمبر اور بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں جنہیں ختم کر دیا گیا ہے۔ دورہ کیا گیا ہے سیشن جج لاہور کے ہمراہ لاہور بار کے صدر اور نائب صدر کی جانب سے، اور لاہور بار نے راستے میں بنے چیمبرز ختم کروا کر گاڑی کے لیے راستہ بنوا دیا ہے۔ لاہور بار کا سول کورٹ کے باہر بھی ٹریفک کے حوالے سے تمام تر رکاوٹیں ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم اقدام سامنے آیا ہے لاہور ڈسٹرکٹ بار کا ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے حوالے سے، تمام بڑی بڑی رکاوٹیں اور جتنے بھی چیمبرز تھے انہیں ختم کر دیا گیا ہے۔
और अभी आपको बताएं, बड़ी खबर सामने आई है, शहबाज सतला के अगवा कत्ल के मामले में अहम पेशरफ्त हो गई। एसएसपी मुफखर अदील बिलाखिर पुलिस के सामने पेश हो गए। मुफखर अदील ने गुज़श्ता रात पुलिस को गिरफ्तारी दी है। 7 फरवरी को मुफखर अदील ने असद भट्टी के साथ मिलकर शहबाज सतला को कत्ल किया था। जी बिल्कुल, अपडेट करें आपको, शहबाज सतला के अगवा और कत्ल का ये मामला है। एसएसपी मुफखर अदील बिलाखिर पुलिस के सामने पेश हो गए। मुफखर अदील ने गुज़श्ता रात पुलिस को गिरफ्तारी दी है। 7 फरवरी को मुफखर अदीन ने असद भट्टी के साथ मिलकर शहबाज सतला को कत्ल किया था। बिलाखिर उन्होंने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। इसी हवाले से जानते हैं इरफान मलिक से। इरफान मलिक, आगाह कीजिए, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एसएसपी मुफखर अदील जो हैं इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये एक बड़ी खबर है कि एसएसपी मुफखर अदील की जानिब से जो अपने जिगरी दोस्त शहबाज सतला को कत्ल करने के बाद उनकी लाश तेजाब के अंदर डाइल्यूट कर दी गई थी, उसको तल्फ कर दिया गया था और उसके बाद मुफखर अदील फरार हो गए थे। शहबाज सतला के अगवा का मुकदमा थाना नसीराबाद में दर्ज किया गया, जिसके बाद मुफखर अदील ने फैसल टाउन का घर जो है वो मुकम्मल तौर पे वॉश करवा दिया था और वॉश करवाने के बाद तमाम शवाहिद मिटाने के बाद मुफखर अदील फरार हो गए थे। मुफखर अदील की गिरफ्तारी 34 रोज बाद पुलिस करने में कामयाब हुई और उसने रवायती जो तरीका तफ्तीश का है वो अपनाया गया पुलिस की जानिब से। पहले जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही थी, एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे थे, लेकिन लाहौर पुलिस को उसमें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद रवायती तरीकों से मुफखर अदील के अहले खाना को हिरासत में लिया गया और ये खबरें उनके करीबी दोस्तों तक पहुँचाई गई। तो मुफखर अदील ने खुद गिरफ्तारी जो है वो पुलिस को दे दी है। आपको बताएँ कि मुफखर अदील ने गुज़िश्ता रात लाहौर पुलिस को गिरफ्तारी दी और अब पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा रही है। उनकी गिरफ्तारी बाकायदा तौर पे अमल में लाकर उनका चलान अदालत में पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि मुफखर अदील के बारे में जो बात सामने आ रही थी कि मुफखर अदील फौरी बाद जब उन्होंने शहबाज सत्ता को कत्ल किया और उसके कुछ ही दिनों बाद वो लैंड रूट के ज़रिए बैरून मुल्क फरार हो गए थे और जब उन्हें अब पता चला कि उनके अहले खाना जो हैं वो हिरासत में लिए जा चुके हैं, तो उसके बाद कुछ उनके दोस्त अखबाब की मदद से वो वापस आए और उन्होंने आके पुलिस को गिरफ्तारी दी है। इसमें आपको ये बताते चलें कि पुलिस हुकाम की जानिब से इस बात की कंफर्मेशन की गई है कि मुफखर अदील जो है वो हिरासत में लिए जा चुके हैं और उनकी अब जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में की जाए मुकम्मल की जाएगी। जबकि इसके साथ साथ अभी तक जो वजूहात सामने आ रही हैं शहबाज सतला को कत्ल करने की, तो उसमें ये बताया गया है मुफखर अदील की जानिब से कि शहबाज सतला के उनकी जो फर्स्ट और सेकंड वाइफ थी उनके साथ नाजायज मरासम शुरू होना हो गए थे और इसी बिना के ऊपर उन्होंने गैरत के ऊपर आकर उसको कत्ल किया। लेकिन इसमें आपको ये बताएं कि अब तक जो है 34 रोज गुजर चुके हैं इस वाक़े को, पुलिस को किसी जानिब से भी कोई ठोस शवाहिद नहीं मिल सके शहबाज सतला की लाश के हवाले से। तो बहुत से कानूनी सुखम जो हैं वो इस केस में अंदर पैदा हो चुके हैं कि अगर चालान पेश किया जाएगा तो अदालत में एविडेंस क्या दिए जाएंगे कि शहबाज सतला को कत्ल किया गया है, और अगर कत्ल किया गया है तो उनकी लाश के हवाले से क्या जवाब जो हैं वो अदालत में दिए जाएंगे। इस हवाले से पुलिस का जो लीगल डिपार्टमेंट है वो एफर्ट कर रहा है कि इस केस की गुतियां कैसे सुलझाई जाए, लेकिन अभी जो मुफखर अदील है उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है और उसके बाद अब उसको तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है, जिससे उससे मजीद तहकीकात जारी है। जी ठीक है, बहुत फार्मली तफसीलात से आ करने के लिए। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुफखर अदील ने खुद गुज़श्ता रात पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। शहबाज सतला के अगवा और कत्ल का ये मामला है। एसएसपी मुफखर अदील पुलिस के सामने पेश हो गया। मुफखर अदील ने गुज़श्ता रात पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। 7 फरवरी को मुफखर अदील ने असद भट्टी के साथ मिलकर शहबाज सतला को कत्ल किया था। अपडेट करें आपको कि इस वाक़े के बाद वो बैरून मुल्क चले गए और जब अहले खाना की गिरफ्तारी का इल्म हुआ किसी दोस्त के जरिए तो उन्होंने बैरून मुल्क से वापस आकर गिरफ्तारी दी है पुलिस को। गुज़श्ता रात उन्होंने ये गिरफ्तारी दी है मुफखर अदील पर। 7 फरवरी को असद भट्टी के साथ शहबाज सतला को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। शहबाज सतला के अगवा और कत्ल का ये मामला है। एसएसपी मुफखर अदील हैं जो कि बिलाखिर पुलिस के सामने पेश हो गए। मुफखर अदील ने गुज़श्ता रात पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। मुफखर अदील पर 7 फरवरी को असद भट्टी के साथ मिलकर
शहबाज सत्ला को कत्ल करने का इल्जाम है। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहबाज सत्ला के अगवा का और कत्ल का ये मामला है। एसएसपी मुफखर अदील बिलाखिर पुलिस के सामने पेश हो गए हैं। मुफखर अदील ने गुज़श्ता रात पुलिस को गिरफ्तारी दी है। मुफखर अदील पर 7 फरवरी को असद भट्टी के साथ मिलकर शहबाज सत्ला को कत्ल करने का इल्ज़ाम भी है। अपडेट आपको कर रहे हैं अहम खबर से, बड़ी खबर से कि मुफखर अदील ने गुज़श्ता रात पुलिस को गिरफ्तारी दी है। मुफखर अदील पर 7 फरवरी को असद भट्टी के साथ मिलकर शहबाज सत्ला को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। जबकि आपको ये भी बताएंगे कि इस हवाले से आपको बताएं एसएसपी मुफखर अदील बिलाखिर पुलिस के सामने पेश हो गए हैं। मुफखर अदील ने गुज़श्ता रात पुलिस को गिरफ्तारी दी है। मुफखर अदील पर 7 फरवरी को असद भट्टी के साथ मिलकर शहबाज सत्ला को कत्ल करने का भी इल्ज़ाम है। शहबाज सत्ला के अगवा का बात आपको अब तक खबर पहुंचा रहे हैं। एसएसपी मुफखर अदील बिलाखिर पुलिस के सामने पेश हुए हैं। मुफखर अदील ने गुज़श्ता रात पुलिस को गिरफ्तारी दे दी है। और मज़ीद आपको बताते चलें कि तहकीकात का आगाज हो चुका है, उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। मज़ीद तफ्तीश के हवाले से ही अपडेट करें हैं कि चालान भी अदालत में पेश किया जाएगा और बैरून मुल्क चले गए थे मुफखर अदील इस हवाले से, और जब खबर मिली उनके अहले खाना की गिरफ्तारी के हवाले से बैरून मुल्क से वापस आए और गुज़श्ता रात उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगु कर रहे हैं। तारीख में कभी जो है पहलू है उनका जायजा लें तो सब मनफी है, और आपको याद होगा, पाकिस्तानी अवाम को भी याद है कि हमने शुरू दिन से जब हमने हल्फ लिया था काली पट्टियां बांध कर, तो नून ने कहा था कि आइए मिसाके मईशत पे बात करते हैं, और ये पहला दिन था जब ये नई असम्बलियाँ जो हैं वो। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।